बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ जहां एक तरफ महिला पहलवान लगातार 24 अप्रैल से प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक पार्टियां लगातार बीजेपी का विरोध कर रही हैं और पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई ना होने की कड़ी निंदा कर रही हैं। इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है बीजेपी सांसद का। महाराष्ट्र की बीजेपी सांसद प्रतिमा मुंडे ने गुरुवार को कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अगर इस तरह के गंभीर आरोप महिला पहलवानों ने लगाए हैं तो इसकी समय रहते जांच की जानी चाहिए थी, सच भी सामने आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसी भी महिला खिलाड़ी से संपर्क करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक तरफ महिला पहलवान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें करने नहीं दिया जा रहा, अब बीजेपी अपने ही घर में घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सांसद प्रतिमा मुंडे ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ उचित जांच की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई है। हाल फिलहाल कहना गलत ना होगा कि बीजेपी अब अपने ही घर में घिरती हुई नजर आ रही है। ब्रजभूषण सिंह शरण को साम दाम दंड भेंट से बचाना अब बीजेपी के लिए महंगा पड़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।